नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी के रोड मैप के बारे में। 2019 का जो रोड मैप है एटोमी का, तो काफ़ी टाइम से इसमें प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे थे 1 से 2 साल के अंदर, लेकिन किसी के पास भी जो कंपनी की गाइडलाइन है एटोमी के रोड मैप से रिलेटेड की जो एटोमी का इंडिया का जो प्लान है वो सेटअप इनको करना है, वो सेटअप किस तरह से वो कर रहे हैं उसके बारे में ये रोड मैप आया है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को कृपया करके आप ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्या किया इन्होंने, 2019 में जनवरी और फरवरी में इन्होंने कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, लीगल डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रिपेयर किए और वो डिपॉजिट किए। उसके बाद इनका जो फरवरी में है, मिस्टर एबकून जो इंडियन मार्केटिंग हेड है कोरियन कंपनी के, इस एटोमी के, वो इंडिया में आए और उन्होंने एटोमी की जो कंपनी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की साइट पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ठीक है, लीगली। अब उसके बाद इन्होंने मार्च अप्रैल का जो रोड मैप है इसमें क्या बैकग्राउंड में जो क्या काम हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आगे हम एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट, अकाउंटिंग, अभी क्या है कि ये अपना स्टाफ का रिक्रूटमेंट मार्च और अप्रैल के बाद से इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है। एटोमी का जो हेड ऑफिस है गुड़गांव में, ब्रांच इसकी ओपन होगी, शायद जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबल डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर इन्होंने अपना स्टाफ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस एचआर के थ्रू स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। और बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रांसलेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसके बारे में भी अंडरग्राउंड काम चल रहा है। और कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट, एटोमी कॉरपोरेट का जो नेम है ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से इसका जो ऑफिस है वो सेटअप किया जा रहा है। और एटोमी इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, लोकेशन इसकी सेलेक्ट हो चुकी है, और इससे रिलेटेड जो एजुकेशन मटेरियल है कंपनी का उसका भी काम चल रहा है, और प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और जो मार्केटिंग प्लान है वो सब कुछ मार्च अप्रैल से चल रहा है। और मई और जून का इनका क्या प्लान है वो देखिए, मई और जून में जो एचआर ट्रेनिंग है वो स्टार्टअप हो जाएगी, ठीक है। मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर केयर सर्विसेज, ऑफिस का डिज़ाइन, इंटीरियर, डिज़ाइन और इंटीरियर का माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मई और जून में कंपनी जो एटोमी का हेड ऑफिस है उसका इंटीरियर डिज़ाइन का काम स्टार्ट कर देंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली जून तक कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग प्रोसेस है, और कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सपोर्ट, इसके बारे में भी काम अभी स्टार्ट हो जाएगा मई में। प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मई जून से स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी अप्रोक्सीमेटली 70 से 100 प्रोडक्ट के आसपास सुनने में आ रहा है हमें, 70 के आसपास जो प्रोडक्ट है वो कंपनी लॉन्च करेगी, और उनका जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा मई और जून में। डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, रिसोर्स ऑन लॉजिस्टिक कंपनीज, और जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है कंपनी का उससे रिलेटेड जो काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एटोमी के जितने भी प्रोडक्ट है उसका साउथ कोरिया से इंडिया में आना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, फिर यहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना एवरी मेंबर्स तक, तो उसका रिलेटेड काम भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, वेयर हाउस, लोकल डिलीवरी सिस्टम, और जो लोकल डिलीवरी सिस्टम है उससे भी इसका टाइप चल रहा है। और एजुकेशन मटेरियल कंपनी का, और प्रोडक्ट का इंटीरियर डिज़ाइनिंग वीडियोस उसके द्वारा, और मार्केटिंग प्लान, रिसर्च, फाइंड लोकल आइटम्स, जो भी चीज़ें हैं ये मई और जून तक इनका कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में ये क्या करेंगे, जुलाई में हमन रिसोर्स इंटरव्यू रिक्रूटमेंट, जो इसका ऑफिस है उसके लिए स्टाफ का रिक्रूटमेंट है वो ऑलरेडी चल रहा है, और बाकी का काम जुलाई और अगस्त के बीच कंप्लीट हो चुका होगा। मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर केयर सर्विस, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, ये सब जुलाई अगस्त तक हो चुका होगा कंप्लीट। और लॉजिस्टिक रिसर्च और लॉजिस्टिक कंपनी का जो वार हाउस है उसके ऊपर भी काम चल रहा है इनका, एजुकेशन मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर का क्या प्लान है उसके बारे में देखिए, सितंबर और अक्टूबर में क्या है, इनका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पार्ट स्टार्ट होगा। ऑफिशियल जो एटोमी की जो टीम है साउथ कोरिया की, वो अपना ऑफिशियल सेमिनार इंडिया के 10 बड़े सिटीज़ में जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, अभी सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर तक वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा, लॉजिस्टिक इंटरनेशनल सपोर्ट भी कंप्लीट हो चुका होगा, और कस्टमर्स लॉजिस्टिक का काम भी कंप्लीट हो चुका होगा, और एजुकेशन मटेरियल भी तब तक बन चुका होगा, जो भी कंपनी का बिजनेस प्लान है उससे रिलेटेड जो एजुकेशन मटेरियल है वो भी बन चुका होगा तब तक, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद इसका जो वेबसाइट है वो सितंबर में शायद एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी यूजर्स अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज में इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी साउथ कोरिया की वेबसाइट पे हो रहा है। जो वेबसाइट है वो कंप्लीट ऑलरेडी है और वेबसाइट को ये ओपन करेंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच, तो आपकी जो करंट स्ट्रक्चर है टीम की वो एज इट इज़ वहाँ पे माइग्रेट हो जाएगी। जो अभी स्ट्रक्चर आपकी बन चुकी है, टीम बन चुकी है, सेम रिफ्लेक्ट करेगी एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका होगा, पेमेंट डिलीवरी ये सिस्टम भी कंप्लीट हो चुके होंगे तब तक। ठीक है, लॉन्चिंग और ओपन शेड्यूल और जो कंपनी का ओपनिंग का जो शेड्यूल है वो भी सितंबर अक्टूबर में फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा कि कब लॉन्च होना है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या नेक्स्ट फरवरी। तो इनका जो प्लान है वो दिसंबर 2019 से पहले लॉन्च करने का है, इसलिए अभी इतना फास्ट काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और सेमिनार भी इनके कंडक्ट किए जाएंगे, ऑलरेडी जुलाई से सेमिनार इनके मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद नवंबर और दिसंबर का कंपनी का प्लान है। प्रोडक्ट का जो प्राइस का सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा नवंबर और दिसंबर तक। लॉजिस्टिक इंटरनेशनल, लॉजिस्टिक इंडियन का सपोर्ट मिल चुका होगा और वो कंप्लीट फ्रेमवर्क बन चुका हुआ तब तक। और एजुकेशन मटेरियल रिगार्डिंग बिजनेस प्लान और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड एजुकेशन मटेरियल वो सब कुछ रेडी हो चुका होगा, प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। ठीक है, बिजनेस रिसोर्सेज, मार्केटिंग प्लान सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा तब तक। और कंपनी का लॉन्चिंग और ओपनिंग शेड्यूल भी नवंबर दिसंबर में डिक्लेयर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में लॉन्च हो जाएगा और सेमिनार भी सब कुछ तब तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 2019 का रोड मैप जो आपको दिखाया गया है ये एटॉमिक इंडिया का रोड मैप है। इसके इस रोड मैप के हिसाब से कंपनी इंडिया में काम कर रही है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करने में, पूरा करने में टाइम लगता है, 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। तो आप पेशेंस रखिए और अपनी जो टीम है उसको बूस्टअप कीजिए और स्ट्रक्चर अपना रेडी करके रखिए ताकि लॉन्चिंग के दौरान, ओपनिंग के दौरान आप एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। एटॉमी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी एटॉमी इंडिया इंटरनेशनल टीम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरी सपोर्ट रहेगी, बाइनरी सपोर्ट मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।